वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ओवर अ वेरी प्रोफाउंड प्लेटफॉर्म दैट इज जेके सिविल सर्विसेज। सो अगेन दिस इज़ योर टीचर एडवोकेट समीउल्लाह डेंग। सो आज हम नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आपके सामने में आया हूँ। अभी तक जो हमने अपने जो टॉपिक जो है हमने जो जहाँ तक हम पहुँचे हैं हमने कंक्लूड किया हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे अभी तक जो है रिवॉल्ट 1857 हमने जो है फिनिश कर दिया है, उसके बाद जो है नेशनलिज्म को भी हमने पढ़ लिया है। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो जो थर्ड स्टेप है जो टॉपिक है हमारा आ गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। तो ये जो है ये तीनों जब हमारा गांधी नेरा को कंप्लीट हो जाएगा कर लेंगे हम इस टॉपिक को, गांधी नेरा को कंप्लीट कर लेंगे फिर हमारा ये वाला जो है फ्रीडम स्ट्रगल वाला टॉपिक जो है पूरा कंक्लूड हो जाएगा। सो यहाँ पे विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है नेशनलिज्म के बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। लास्ट लेक्चर में मैंने जब नेशनलिज्म का आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल एसोसिएशंस मैंने आपको बताई थी और जिसमें मैंने कहा था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो है वो बनी थी, ठीक है। और जो प्रॉपर जो है अगर हम देखें नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है बना और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको कहते हैं INC कहते हैं और उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। हम उसको एक एक करके जो है स्लोली हम उसको कैजुअली पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले देखें कि इसमें जो है एक ब्रिटिश जो है रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ऑफिसर जिसका जिसको हम ह्यूम भी कहते हैं एलन ऑक्टेवन ह्यूम, उन्होंने क्या किया वो खुद एक सिविल ऑफिसर थे रिटायर्ड थे ह्यूम, उन्होंने क्या किया उनका इसमें जो है एंडेवर उनका इसमें एफर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है माना जाता है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंडिया के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे और जितने भी हम कह सकते हैं जो कैपेबल जो है एजुकेटेड जो है जिनको हम कहते हैं एलाइट ग्रुप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलाइट ग्रुप। यहाँ पर उन्होंने क्या किया ह्यूम ने इस ग्रुप को मोबिलाइज किया। मोस्टली इसमें कौन से ग्रुप इन्यूमरेट किए लोग इन्यूमरेट किए जाते हैं इस ग्रुप में वो लोग जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो है प्रॉस्पेरस है जो इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा एफ्यूलेंट है जो वेल टू डू है और एजुकेशनली भी बहुत आगे हैं बाकी जो है लोगों से सोसाइटी की अगर बात करें उस टाइम में इंडियन सोसाइटी की बात करें। सो उसमें जो है कुछ माने जाने एमिनेंट जर्नलिस्ट भी थे माने जाने एमिनेंट जो है लीडर्स भी थे सोशल रिफॉर्मर्स भी थे तो और जो है सबसे हम बात करें हाईली जो है इंटेलेक्चुअल्स जो थे पढ़े लिखे जो इनके पास विजडम बहुत ज़्यादा था सगेसिटी बहुत ज़्यादा था जिनके पास ठीक है उनको मोबालाइज किया ठीक है। और मोबालाइज करने के बाद उन्होंने क्या जो है यहां पे आपने ये यहां पे याद रखना है यहां पे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है उसकी स्थापना अगर हम कहें उसकी फाउंडेशन स्टोन जो है हम उसकी बात करें उसकी जो नीम रखी गई किसकी INC की इंटरनेशनल कांग्रेस की और वो डेट आपने याद रखनी है। और इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है जो उसका पहला सेशन था ठीक है जो उसका पहला जो है जो मीट हुआ उनका वो 28 से 31 दिसंबर 1885 तक जो है चला ठीक है। अब यहाँ पे उस टाइम में 72 डेलीगेट्स आए थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अलग अलग एरियाज़ को उन एरियाज़ में रह रहे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपने याद रखना है इसमें वो कितने थे वो 72 थे। उसके बाद जो इसके जो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं वो यहाँ पे हम ओमकेश चंद्र जो है बॉनर्जी आपने देखना है वो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के। देन ठीक है ये तो हमें थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया इसका थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं एक थोड़ा सा ग्लिम्स आ गया किसका जो इंटरनेशनल कांग्रेस का ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम अभी मैंने इसके ऑब्जेक्टिव्स कराने हैं वो जैसे ही हमारा ये वाला हम फिनिश कर लेंगे फिर मैं इस पर आऊँगा कि एक्चुअली कोई जो INC है ये क्यों बना है? तो इसमें मैंने क्या किया ऑब्जेक्टिव्स को मैंने बाद में रखा हुआ है अभी मैं थोड़ा मॉडरेट्स के ऊपर आऊँगा ठीक है। क्योंकि आपने ध्यान में रखना है कि कांग्रेस में मोस्टली क्या हुआ था कि कांग्रेस में दो ग्रुप्स जो है बने और उन दो ग्रुप्स का जो है अपना अपना एक फेज रहा है अपना अपना एक टाइम रहा है और उस टाइम उन्होंने क्या किया हुआ है जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है कांग्रेस के ऊपर जो है लीडरशिप में रखा
रखा है और उसके बाद फिर लोगों में भी अपना इन्फ्लुएंस डाला हुआ है। सो पहला जो है मॉडरेट्स, मॉडरेट्स का ज़्यादा इसमें रहा था, मॉडरेट्स ने ज़्यादा देर, इनकी इनके ही प्रेजिडेंट्स ज़्यादा कांग्रेस में रहे हैं, इनका इन्फ्लुएंस कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा था, बट ये उतने पॉपुलर नहीं थे जितना दूसरा वाला ग्रुप जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं वो था। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम देख कंक्लूड करेंगे, आज हम सिर्फ मॉडरेट्स को पढ़ेंगे और मॉडरेट्स जैसे ये फिनिश हो जाएगा फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा कि कांग्रेस एक्चुअली क्यों बना था, इसका पर्पस क्या था। अब ये वाला जो था मोस्टली आपने यहाँ पे ये मेन मेन मैंने नाम लिखे हैं जैसे फिरोज शाह मेहता आ गया, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आ गया, फिर उसके बाद है व्योमकेश चंद्र जो है बॉनर्जी आ गए, दादा भाई नेहरू जी आ गए, ये मैंने कुछ एमिनेंट यहाँ पे जो है पर्संस यहाँ पे लिखे हुए हैं जिन जो क्या इन्यूमरेट किए जाते हैं एज अ मॉडरेट्स। कभी कभी क्वेश्चन आपको आ जाता है वहाँ पे वो आपको कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे इनमें डिफरेंस कीजिए एक्सट्रीमिस्ट का कौन सा ग्रुप है और मॉडरेट्स का कौन सा ग्रुप है, ये आपने याद रखने हैं और मोस्टली आपको यही नाम वहाँ पे जो है वो मेंशन किए जाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि ठीक है ये तो हमें पता है कि ये जो है मॉडरेट्स थे और दूसरे जो है अदर देन इनके अलावा जो हम एक्सट्रीमिस्ट में पढ़ेंगे वो एक अलग ग्रुप था, बट हम पहले पढ़ेंगे कि भाई क्या चीज़ थी जो इनको मॉडरेट्स जो है इनको वो नाम मिला या डिनोट किया जाता था एज अ मॉडरेट्स। वाई क्यों? क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो अलग थी इन कंपैरिजन विद द आइडियोलॉजी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, उनकी अलग थी एक्सट्रीमिस्ट की, इनकी अलग थी उस बेस पे, आइडिया के बेस पे, प्रोसीजर के बेस पे, पैटर्न के बेस पे। अब क्या आइडिया, क्या प्रोसीजर, क्या पैटर्न, मोस्टली क्या था कि कांग्रेस का एक ऑब्जेक्टिव जो है मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कांग्रेस का, ठीक है ये जो बनी है इसका यही था कि किस तरह हम क्या करेंगे आज़ादी को हासिल करेंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है जो हमारी जो इसके लिए स्ट्रगल रहेगा। अब उसके लिए तरीका अलग अलग है, अगर 100% है कहीं पे या 100 मेंबर्स है तो ऑब्वियस है कि उनका जो वहाँ पे जो वे रहेगा किसी चीज़ को अचीव करने का वो अलग अलग रहेगा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा जो है स्प्लिट उनके बीच में हुआ, एक बहुत बड़ा सेग्रीगेशन उनके बीच में हुआ बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट ओपिनियंस किसको लेकर कि किस तरीके से हम आज़ादी को हासिल करेंगे। एक ग्रुप जो है मॉडरेट्स वो आज़ादी को हासिल करने की एक अलग से एक थ्योरी रखता है, अलग से एक डॉक्ट्रिन रखता है, अलग से एक प्रोसीजर बताता है, अलग से एक मेथड्स बताता है, कहता है हम उनको फॉलो करेंगे। एक ग्रुप कहता है जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं वो भी एक अलग से अपनी लिस्ट बना रहा है कि भाई इस तरीके से इन मेथड्स के ऊपर उसकी एक अलग से एक थ्योरी, अलग से आइडियोलॉजी है और मॉडरेट्स की अलग से है। तो वही हमने उसमें पढ़ना है और आपको ये पता होना चाहिए कि उनमें कौन कौन से पर्संस आते हैं जिनको ज्यादा डिनोट किया जाता है और मेंबर्स को एक्सट्रीमिस्ट में इनको इन्यूमरेट किया जाता है और मॉडरेट्स मॉडरेट्स में किसको इन्यूमरेट किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये जो है बहरहाल किसको किसके किसको बिलीव करते थे, लिबरलिज्म को, लिबरलिज्म को आपने ज्यादा मैं यहां डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा, लिबरलिज्म को सिंपल सा आपने देखना है कि ये लिबरलिज्म मोस्टली क्या होता है, एक डॉक्ट्रिन एक थ्योरी होती है जो कहती है कि जो इंडिविजुअल है उसके फ्रीडम की बात की जाती है इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, इन ईच एंड एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, कोई भी हो, उसको आदमी को टोटली आप लिबरल कर दो, उसको फ्री रखो, उसको जो है उसको प्रोवाइड करो। वो बेशक एक अलग से टॉपिक है, लिबरलिज्म में हम नहीं जाएंगे, उसमें फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म आता है, कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म आता है, नेगेटिव लिबरलिज्म आता है, क्लासिकल लिबरलिज्म आता है, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि इनकी आइडियोलॉजी यही इस चीज को फॉलो करती थी कि लिबरलिज्म मींस ये भी फ्रीडम की ही बात कर रहे थे, मगर फ्रीडम जैसे ये मोस्टली बिलीव किसमें करते थे, ये मोस्टली बिलीव करते थे कि सिविल राइट्स के ऊपर इनका ज्यादा फोकस था मॉडरेट्स का। ये कहते थे कि डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स, और सिविल राइट्स कौन से राइट्स हुए, सिविल राइट्स आ गए जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस है कि आपको पूरा अधिकार होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच कि आप जो भी कुछ घटनाएं हो रही है, जो भी कुछ चीजें हो रही है आप उनको पेपर में जो है लिख सको, बोल सको, आपको पूरा अधिकार हो अपनी आवाज रखने का, बोलने का। उसके बाद ये आ गया कि आपको पूरा उसमें काम करने का अधिकार हो। तो ये हमारे कुछ सिविल जो है, सिविल हमारे कुछ राइट्स होते हैं, हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी रिजाइड कर सके, कहीं पे भी मूव कर सके, वोट कर सके, अपनी हमारा हमारी खुद की राइट टू लाइफ विद लिबर्टी हो, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हो, ये सारी चीज़ें जो है बताती है, किसको बताती है ये, किसको जो है डिफाइन करती है, ये डिफाइन करती है सिविल राइट्स को। सो इनका फोकस यही था, हाँ वही कि आदमी के
आदमी के जितने भी अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में जो ह्यूमन बीइंग है उसी वॉक ईच वॉक्स ऑफ लाइफ में उसको फ्रीडम दिया जाए, ठीक है, अपनी मर्जी से घूम सके, अपनी मर्जी से वो बात कर सके, अपनी मर्जी से कहीं रिजाइड कर सके, अपनी मर्जी से वोट कर सके, अपनी मर्जी से काम कर सके, ठीक है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई बाउंडेशन जो है अनरीजनेबल बाउंडेशन जो है अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया यहाँ पे, तो इसी आइडिया को ये फॉलो कर रहे थे। और उसके बाद दूसरा था, ये कह रहे थे कि जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स कहते थे कि एक्चुअल में अभी क्या है कि अभी एक प्रॉपर टाइम जो है अभी प्रॉपर टाइम नहीं आया हुआ है, नॉट प्रॉपर टाइम टू चैलेंज कॉलोनियल रूल, कि अभी प्रॉपर टाइम नहीं है। इनका अपने फेज याद रखना है, इतने फेज में इनका जो है मोस्टली इनका इन्फ्लुएंस रहा, ठीक है। और इनकी ये आइडियोलॉजी थी कि ब्रिटिशर को हटाने का, कॉलोनियल रूल जो ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे थे उनको हटाने का एक प्रॉपर टाइम अभी नहीं आया हुआ है, अभी पूरी तरह से इंडियंस जो है अवेयर नहीं है, इंडियंस को पॉलिटिकली एजुकेट करना है, उन्हें अवेयर करना है। तो इसके लिए इन्होंने, इनकी ये आइडियोलॉजी थी, तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, हम प्रेयर्स के थ्रू, ठीक है, रिक्वेस्ट के थ्रू, अपील्स के थ्रू, पेटिशंस के थ्रू, ठीक है, क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स से हम बात करेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे, उनके सामने अपनी जो है क्या रखेंगे, उनके सामने अपनी जो डिमांड्स रखेंगे पीसफुल तरीके से, ठीक है। ये पीसफुल, मोस्टली पीसफुल तरीका जो था इनका आज़ादी को हासिल करने का था, इनके प्रोसीजर्स पीसफुल, मोस्टली पीसफुल ही थे इन कंपैरिजन विद द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये क्या था कि ये कहते थे कि पब्लिक ओपिनियन बनाना है, और आपके सामने ये क्वेश्चन राइज होता है कि पब्लिक ओपिनियन एक्चुअली क्या है। पब्लिक ओपिनियन का मतलब ये आ गया कि मैं किस तरह की सोच रखता हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, कि किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, किस तरह के लोगों के राइट्स होने चाहिए, मेरा खुद का कोई ओपिनियन क्या कहता है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, वो हमारा पब्लिक ओपिनियन बनाता है। ये कहते हैं पब्लिक ओपिनियन हमने जो है क्रिएट करना है, उसको बनाना है, ठीक है। अब पब्लिक ओपिनियन कैसे क्रिएट होगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कि कहने का मतलब ये है कि जब प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा, सपोज कीजिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सुनते हैं रेडियो के थ्रू, उसके बाद हम टेलीविजन पे उनको देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में उनके बारे में जो है पढ़ते हैं, उससे क्या होता है कि इन ही जो है एजेंसीज, ये एजेंसीज ले लो आप, न्यूज़पेपर आ गया, रेडियो आ गया, टेलीविज़न आ गया, हाँ, जिसको मास मीडिया भी हम कह सकते हैं, मास मीडिया आ गया, ये जो सारा मास मीडिया है ये एक क्या है, एजेंसीज है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड की जा रही है जिससे हम एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, और उस ओपिनियन को पब्लिक ओपिनियन कहा जाता है, ठीक है। तो ये तभी होगा जब एक प्लेटफॉर्म होगा, तभी पब्लिक ओपिनियन बनेगा, जब प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा पब्लिक ओपिनियन कहाँ से बनेगा। तो पब्लिक ओपिनियन के लिए वो, इस पब्लिक ओपिनियन के लिए प्लेटफॉर्म क्या था, वो प्लेटफॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, ठीक है। तो यहां पे ये है कि लोगों को, इनका व्यू था कि लोगों को ओपिनियन इनका क्रिएट करना है, कि उसके बाद जो है उनको क्या करवाना है, अवेयर करना है, उनके अंदर अवेयरनेस जो है क्रिएट करनी है, देन उनको एजुकेट करना है और यूनाइट करना है, और यूनाइट करना है कि चाहे वो इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन, ठीक है, अलग अलग जो भी डिफरेंसेस है, क्योंकि एक डाइवर्स सोसाइटी हमारा इंडिया उस टाइम में भी था, आज भी है, तो वो सब चीज़ें हटा के यूनाइट होना है, उनको पॉलिटिकली एजुकेट करना है, अवेयर करना है, ठीक है। और उस किसके ऊपर, पॉलिटिकल क्वेश्चंस, पॉलिटिकल क्वेश्चंस का मतलब ये आ गया कि मॉडरेट्स का तरीका था कि किस तरीके से हम उनसे पॉलिटिकल, ब्रिटिशर से पॉलिटिकल राइट्स मांगेंगे, किस तरीके से हम अपनी डिमांड उनके सामने रखेंगे, क्या क्या चीज़ें हमारी रहेंगी, हा? कि भाई पॉलिटिकल राइट्स कैसे होंगे, हमें क्या दिया जाए, क्या हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है। सो ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर जो है इन्होंने कहा हम पहले पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे, उनको, लोगों को एजुकेट करेंगे, यूनाइट करेंगे, चाहे डिफरेंसेस कोई भी हो, डिफरेंसेस को हम हटा परे रखेंगे, उसके बाद जाके ब्रिटिशर को परशूट करेंगे, उन्हें तैयार करेंगे कि वो क्या करे, हमारी डिमांड्स को माने, उनके सामने हम अपनी जो है डिमांडें रखेंगे एक पीसफुल तरीके से। सो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी तरह की जो है वायलेंट तरीके से अलग थे, और इनका जो तरीका था किसी प्रोटेस्ट करने का, दैट वाज टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, हम उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ का मतलब कि जो कानून उस टाइम में था, ब्रिटिशर ने जो बनाया हुआ था उस टाइम में, जो लॉ जो था, लॉ उस टाइम में जो प्रिवेल कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग ही जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही अपने प्रोटेस्ट करेंगे और डिमांड को ब्रिटिशर के सामने रखेंगे। इसका मतलब है इनका तरीका बहुत ज़्यादा जो था बड़ा जो है किसी चीज़ को पैसिफाई करने के लिए, किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए उनका तरीका बड़ा मॉडरेट तरीका था, ज़्यादा कोई वायलेंट तरीका नहीं था, क्योंकि इनको लगता था कि ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे हैं इससे, इनको लग रहा था कि ब्रिटिशर के रूल करने में इनको लग रहा था कुछ पॉजिटिव मिलेगा। और दूसरा था इनकी ये भी एक
अप्रिहेंशन था कि ब्रिटिशर्स जो इंडियन को लेकर, उनके कल्चर को लेकर, उनके एजुकेशन और फ्यूचर को लेकर जो है बहुत जो है उनके प्रॉस्पेक्ट को लेकर जो है ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। सो ये मॉडरेट्स की एक जो है कह सकते हो आप एक आइडियोलॉजी थी, उनकी अपनी एक जो है सोच थी यहाँ पे, ठीक है। सो अब उसके बाद हम, ये तो हो गया थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स में और ऐड करूँगा जब हम एक्सट्रीमिस्ट पाएंगे, क्योंकि ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है कि यहाँ पे ये तो आपका फॉर्मेशन कांग्रेस का आपको अंडरस्टैंड हो ही जाएगा, मगर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपने उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। सो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इसमें फर्दर कंटिन्यू करके हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या था एक्चुअली, कांग्रेस किस चीज़ के लिए उसको फॉर्म किया गया, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे अब यही इसी को टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में हमने थोड़ा बहुत मॉडरेट्स के बारे में थोड़ा बहुत उनका इनके बारे में थोड़ा पढ़ा कि एक्चुअली जो मॉडरेट्स हैं वो क्या कैसा ग्रुप था। उसमें मैंने आपको कुछ जो है एलिमेंट्स को थोड़ा डिफाइन किया मैंने, क्या क्या एलिमेंट्स जो है मॉडरेट्स को बनाते हैं, और उसमें कुछ एमिनेंट लीडर्स का मैंने मेंशन किया। और उसके बाद फर्दर हम मॉडरेट्स को और पढ़ेंगे जब हम एक्सट्रीमिस्ट को भी पढ़ेंगे और उनके बीच में डिफरेंस करेंगे कि दोनों जो हैं ये कांग्रेस के अंदर दोनों ग्रुप का क्या ज़्यादा जो है रोल रहा है। मैंने आपको बताया था हम इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, कांग्रेस का थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, अब आगे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ये क्यों बना, इसका मेन क्या था, फोकस किस चीज़ के ऊपर था। यहाँ पे आपने देखना है कि सबसे जो बड़ी जो बात है इसमें ये कि जितने भी इंडियंस हैं जो अलग अलग जो है रिलीजन के हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग क्लास के हैं, अलग अलग एरिया में रहने वाले हैं, अलग अलग भाषाएँ बोलने वाले हैं, इसका जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका जो मेन जो है जो प्राइमरी जो एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉपरेशन उनके बीच में क्रिएट करना, कि जितने भी इंडियंस हैं उनके बीच में कॉपरेशन को क्रिएट करना, ठीक। उसके बाद ये आ गया उनके बीच में फ्रेंडशिप को क्रिएट करना, और जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आगे जो है सामने जो है एक्सिबिट हो जाएगा, शो हो जाएगा, वो क्या है, वो ये है कि एक प्लेटफॉर्म बनना। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उसका जो जब जिस टाइम बना उसका जो एम है, इसी एम के साथ इसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्चुअली था नहीं, वो अभी भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस टाइम में बना उस टाइम में किन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेकर वो चला, ठीक है, क्या माइंड में वो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने रखे, और उसके बेस पे इन्होंने जो है उस पर्टिकुलर डेट को 1885 को जो है फॉर्मेशन किया इसका, ठीक है, जो एगो ह्यूम का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया कि ठीक है जब एक ऑपरेशन होगा, कॉपरेशन के बाद कोशिश की कि यहाँ पे क्या करें कि एक प्लेटफॉर्म बने, ठीक है। उनका जो मेन मोटिव क्या था, मेन एम था उनका एक प्लेटफॉर्म बने। मैंने आपको पहले बताया कि जब तक कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं होगा, एक अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म नहीं होगा, कोई भी आप किसी चीज़ को करने के लिए जो आप जो है कमिटेड होंगे तब तक वो प्रॉपर जो है नहीं हो पाएगा, स्मूथली नहीं चल पाएगा। इसीलिए आईएनसी एक प्लेटफॉर्म उस टाइम में जो है इनका एम ये था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिससे क्या हो कि लोगों के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन, मैंने आपको बताया था, यह हमने बहुत डिटेल में थोड़ा पढ़ा हुआ है जो है प्रीवियस लेक्चर्स में ना, कि नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, जो भी है डिफरेंसेस है, इतना डाइवर्स सोसाइटी का हमारे इंडिया में, वो चीजों को ध्यान में नहीं रखना है और कॉमन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, जिससे हमारे अंदर क्या होगा, एक कंसोलिडेशन, एक कंसोलिडेटेड जो है एक फोर्स बनेगी, और उसी को हम नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो तभी बन पाएगी जब एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होगा, और प्रॉपर प्लेटफॉर्म क्या था, इंडियन नेशनल जो है उस टाइम में जो है कांग्रेस जो है प्रॉपर प्लेटफॉर्म उभर के आया उस टाइम में, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना अपना, क्या था जो मैं बोल रहा हूँ, क्या था मतलब उस टाइम में, क्योंकि हम यहाँ पे जो है इसका हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सो उस टाइम में इन एम्स के साथ ये आया था, ठीक है, तो वो ये तो अभी भी है, मगर उस टाइम का जो इसका जो इनिशिएटिव था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना यहाँ पे आप। अब यहाँ पे ये आ गया कि अब ठीक है ये कांग्रेस जो है वजूद में आ गया, इसका फाउंडेशन हो गया, दो हमने यहाँ पे पढ़ लिए, दो उसके एम्स। अब ये प्लेटफॉर्म तो ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन इससे बनता ही बनता है, ठीक है, इस चीज को हम मानते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन इससे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये कहता है उससे क्या होगा कि फिर जितने भी ये अलग अलग मासेस हैं, जितने भी जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उनको सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये जो मेंबर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के उनको रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंट करने के बाद उनका काम क्या होगा, उन मेंबर्स का, आईएनसी के जितने भी मेंबर्स हैं उनका काम क्या होगा, उनका काम ये होगा कि वो अलग अलग जो है पेटिशंस के थ्रू, अलग अलग अपील्स के थ्रू क्या करेंगे, किसके सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उनको
क्या करेंगे, रखेंगे उनके सामने, उसको प्रेजेंट करेंगे और अपनी अपनी जो भी उनकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब है कि INC एक प्लेटफॉर्म जो है उस टाइम में जो इन्होंने उसी एम ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखे उसकी फाउंडेशन की जो है स्टोन जो है फाउंडेशन जो है उसकी बुनियाद डाली गई, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आया एक फैक्टर बनेगा किसके लिए, फैक्टर बनेगा पब्लिक ओपिनियन के लिए। पब्लिक ओपिनियन जो है मैंने आपको बताया इंडियन जितने भी इंडियन जो रह रहे उस टाइम में थे उनका ओपिनियन जो है ले सके, ये भी मैंने आपको यहाँ पे कंक्लूड कर दिया कि ओपिनियन क्या होता है। और मोस्टली यहाँ पे जो इंडियंस का ओपिनियन INC जो लेने के लिए जो तैयार था वो एक एजेंसी बना, उसका जो है एक फैक्टर बना जिससे लोगों में पब्लिक ओपिनियन लेगा किस चीज़ के ऊपर, पॉलिटिकल क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद ये कहता है कि बी ए प्लेटफॉर्म फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ इंडियन पीपल, एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होगा किसके लिए, प्रॉस्पेक्ट का, ठीक है। प्रॉस्पेक्ट मतलब फ्यूचर, प्रॉस्पेक्ट का मतलब आ गया कि यहाँ पे कि जितने भी हिंदुस्तानी जो है जो ये आशा जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब हमें पर्टिकुलर राइट दिया जाएगा, कब हमारे ऊपर एटोस्टीज जो है वो काम हो जाएगी, कब हमारे जो सोसाइटी है एक जस्ट सोसाइटी, एक वेलफेयर सोसाइटी बनेगी, जो बाकी दुनिया में जो भी हैपनिंग्स हो रही थी अलग अलग कंट्रीज में, अलग दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग वर्ल्ड में, उस टाइम में कंटेम्प्रेरी अगर हम देखें उस टाइम में जो जो लोगों को जो है मिल रहे थे राइट्स, तो हिंदुस्तानी इसी जो है होप के साथ बैठे थे कि कब हमें ये जो है सारी की सारी जो है हमारी डिमांड्स पूरी होंगी। सो जो भी उनकी आशाएं थी वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है कांग्रेस ने क्या किया, वो इनिशिएटिव लिया और उनको अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में उनको क्या किया, इम्पार्ट किया, उनको उसमें जो है इनकॉर्पोरेट किया। और उसके बाद जो है इनकॉर्पोरेट करने के बाद वो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, इन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर उन्होंने क्या किया, अपने जो है काम जो है उसको जो है जो कमिटमेंट था उसको आगे ज्यादा जो इम्फेरिकली उसको क्या किया, प्रैग्मेटिकली उसको इंप्लीमेंट किया। और उसी के बेस पे यहां पे हम आगे फर्दर पढ़ेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में, मॉडरेट्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, मॉडरेट्स किसने क्या डिमांड की कि भाई किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से इन एम्स ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है। एक्सट्रीमिस्ट ने कहा नहीं हमारा एक अलग रहेगा, अलग सिस्टम रहेगा। सो पहले हमने मॉडरेट्स को लेकर ही पढ़ना है, जो मैंने आपको डेट भी बताया था कि कितने टाइम तक जो है मॉडरेट्स ने जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखा कांग्रेस के अंदर। सो आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा, आपने ये देखना है कि जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिस पार्टी को आज हम जानते हैं, जो पार्टी बनी हुई है, उस पार्टी ने अपने टाइम में जो जिसने इनिशिएटिव, जब इसका फॉर्मेशन जो एक इसका जो फाउंडेशन जो स्टोन जो डाला गया, जो इसकी नीम डाली गई उस टाइम में, जो उस टाइम में जो इसका फाउंडेशन जो स्टार्ट हुआ उस टाइम में इसने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे थे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने, तो ये उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे और इसी को लेकर आगे काम किया गया। तो इसका इनका एक बहुत बड़ा जो है रहा है, एक बहुत बड़ा इम्पेरेटिव कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में रहा है किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सो आई होप कि आपको ये वाला जो हमारा वीडियो है और हमारा मेरा जो लेक्चर है ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका है। सो फर्दर हम अपनी बाकी दूसरे वाली जो वीडियो होगी, जो इसके बाद जो हम हमारी वीडियो होगी जो आएगी, लेक्चर आएगी, उसमें हम फर्दर मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट को डिफाइन करेंगे। सो इसी के साथ सी यू सून एंड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।